सो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड कंप्यूटर स्कूलिंग सिस्टम एंड टुडे इज योर डे नाइनटीन फॉर नी डायरेक्ट क्लासेज ऑफ ट्वेल्थ क्लास बेटा आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है हम डिस्कस करेंगे अबाउट कैंसर एडोलोसेंस ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज एंड टोबैको एब्यूज ठीक है बच्चे तो इफ यू टॉक अबाउट कैंसर कैंसर क्या है इट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब इट इज कॉज बाय द ब्रेक डाउन ऑफ नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द सेल ग्रोथ जो नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है हमारे सेल ग्रोथ का अगर वो ब्रेक डाउन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चे कैंसर होता है क्या रीज़न है इसका देखो नॉर्मल सेल्स शोज प्रॉपर्टी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाई वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टेक्ट विथ अदर सेल्स इनिबिट देयर अनकट्रोल ग्रोथ तो जब भी अगर कहीं पर कोई सेल ग्रो करेगा तो ये सेल क्या करते हैं बच्चे इनके बीच में गैप होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन होता है कभी कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं राइट right? जैसी कॉन्टेक्ट होगा वो किल हो जाएंगे ये सेल्स ठीक है दिस इज कॉल्ड टेज कॉन्टेक्ट इनिबिशन लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके अंदर ये कांटेक्ट इनिबिशन जो है ये वर्च्यू खत्म हो जाता है और ये आपस में कॉन्टैक्ट करने लग जाते हैं और ये प्रोलीफ्रेट करने लग जाते हैं राइट दिस इज दी अनकंट्रोल्ड प्रोलीफ्रेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स सो यही क्या करता है बच्चे ये कैंसर कर देता है राइट right? सो कैंसर सेल हाउव लूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन एंड कंटिन्यूज टू डिवाइड गिविंग राइज टू मासेज ऑफ सेल्स कॉल एस ट्यूमर तो इस तरीके से वो ट्यूमर बना देगा इस तरीके से ट्यूमर बन जाता है बच्चे राइट सो दिस इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन and proliferation and proliferation of cells theek hai bachcha so this is cancer ab tumors jo hote hai bachche do tarike ke hote hai benign and malignant benign tumor kya hai benign tumor normally remains confined to their original location and do not spread to the other parts of the body and cause little damage chote-bote jo masse ho jate hai bachche wo bhi uncontrolled growth है. है ना तो वो अगर एक जगह पे है एक लोकेशन है उसका कहीं स्प्रेड नहीं हो रहा है कोई पेन कॉज नहीं कर रहा है तो वो इस तरह के ट्यूमर जो होते हैं वो बिनाइन ट्यूमर होते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर आर मास ऑफ सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स दीज ग्रो सेल्स ग्रो वेरी रेपिडली इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग दी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू और यही कैंसर हो जाते हैं बच्चे तो एक्चुअल कैंसर कौन कॉज कर रहा है मेलिग्नेट ट्यूमर कॉज करता है ठीक है बच्चा सो एज द सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दिज ऑल्सो स्टाफ द नॉर्मल सेल्स बाई कम्पीटिटिंग फॉर द वाइटल न्यूट्रिय तो ये क्या करते हैं खुद तो डिवाइड एंड ग्रो करते हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि वो उनके साथ कंपीट करेंगे न्यूट्रियट के लिए राइट सो सेल्स स्लॉट फ्रॉम द मेलेग्नेंट ट्यूमर्स रीच्ड डिस्टेंट साइड थ्रू ब्लड एंड वेर एवर दे गेट लॉस्ट इन दॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर देअ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मैटास्टेसिस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जब भी वो स्लॉट होते हैं जब भी मेलेग्नेट ट्यूमर जब भी एक जगह से वो सेल क्या करते हैं दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं ब्लड के थ्रू और जब भी वहां पे जाके वो इकट्ठे हो जाएंगे लॉज हो जाएंगे वो क्या करते हैं वहां पे एक नया ट्यूमर स्टार्ट कर देते हैं दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस ठीक है बच्चे इसके कॉजेस क्या क्या है कॉजेज ऑफ कैंसर सर कार्सिनोजेनि कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं कौन कौन से केमिकल फॉर एग्जाम्पल सिगरेट स्मोकिंग से कॉज लंग कैंसर बेंजोप्राइन डाइज पेंट्स एक्सेट्रा इन सब से हो सकता है बायोलॉजिकल में ऑनकोजेनिक सम पैरासाइट एक्सेट्रा कैंसर कॉजिंग वायरसेज आर कॉल्ड एज ऑनकोजेनिक वायरसेज हैव जीन्स कॉल्ड एज वायरल ऑनकोजीन तो जिनसे कैंसर होता है उनको हम उस वायरसेस को ऑनकोजिन वायरस कहते हैं नॉर्मल सेल्स हैव जीन्स कॉल्ड एज सेलर ऑनकोजींस और प्रोटो ऑनकोजीन्स विच आर प्रेजेंट इन दी इनएक्टिव स्टेट तो प्रोटो ऑनकोजीन्स किस स्टेट में होते हैं इनएक्टिव स्टेट में होते हैं लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाए या किस कुछ और कंडीशन हो जाए इन सर्टेन कंडीशन दे गेट ट्रांसफर्ड टू कैंसर कॉजिंग ऑनकोजीन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं ठीक है बच्चे फिजिकल आइजी जैसे रेडिएशन गामा रे नॉन आइजीनिंग रेडिएशन लाइक यू रेज ज डीएनए डेबीज लीडिंग टू दी नियो प्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अब देखिए एक्सरे का यूज गामा रेज का यूज हमारे फायदे के लिए भी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया है लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए है ना उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कैंसर कॉज कर सकता है राइट right? अब इसका डिटेक्शन कैसे कैसे होता है कैंसर का सो कैंसर कैन बी डिटेक्टेड आई फॉलोइंग मैथड ब्लड एंड बोन मैरोस्ट का यूज कर सकते हैं टू नो नंबर ऑफ सेल काउंट बायोप्सी हो सकती है एक छोटा सा पीस कट करके जो है टिश्यू का कट करके उसके थिन सेक्शन बना के स्टेन किया, किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप रेडियोग्राफी बाय एक्सरे टू डिटेक्ट कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एक्सरे का यूज देखिए यहाँ पे हेल्प मिले लेकिन अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ जाए तो ये कैंसर ये एक्सरे जो है कैंसर भी कर सकता है कंप्यूटर टोमोग्राफी हो सकती है यूजिंग एक्सरे टू जनरेट अ थ्री डी इमेज ऑफ इंटरनल टिश्यूज कंप्यूटर टोमोग्राफी होता है कैट स्कैन होता है सि टी स्कैन कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज सी टी स्कैन राइट रेजोनेंस इमेजिंग होती है इन्वॉल्व्स यूजिंग ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एम आर आई मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना फील्ड टू डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजोलॉजिकल चांसेज चेंजेस इन दी लिविंग टिश्यू तो यहाँ पे हम क्या करते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं है ना दिस इज एम आर आई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस आर आल्सो यूज फॉर कैंसर डिटेक्शन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का भी यूज़ करते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल विथ इनहेरिटेड ससप्टिलिटी टू सर्टेन कैंसर तो मोलिकुलर बायलॉजी का भी एलाइजा का भी यूज किया जा सकता है इसके लिए ठीक है तो ये कुछ तरीके हैं कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट क्या है बच्चा तो ट्रीटमेंट है इसका ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इन्वॉल्व द फॉलोइंग मैथड तो क्या किया जा सकता है सर्जरी ट्यूमर्स आर रिमूव बाय सर्जरी टू चेक द फर्दर स्पेक्ट ऑफ कैंसर्स जहाँ पे जिस जगह पे ट्यूमर अगर हो गया मैलिग्नियन ट्यूमर हो गया है तो क्या कर सकते हैं उस पार्ट को कट करके हटा दिया जा सकता है रेडिएशन थेरेपी है ट्यूमर सेल्स आर इन रेडिएटेड बाई लीथल डोज ऑफ रेडिएशन बाय प्रोटेक्टिंग द सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स नॉर्मल सेल्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है और जो सेल डैमेड है उसको रेडिएशन के थ्रू जो है हाई रेडिएशन हाई इंटेंसिटी रेडिएशन के थ्रू क्या किया जा सकता है उनको ख़त्म किया जाता है कीमोथेरेपी में केमिकल्स का यूज़ करते हैं सेवरल कीमोथेरापेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसर सेल्स बट देर साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस एनीमिया इज ऑल्सो रिपोर्टेड तो केमिकल्स ड्रग्स का भी यूज़ करते हैं दवाइयों का यूज़ किया जा सकता है फिर इम्यूनोथेरेपी का यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेर इंपॉर्टेंट है इसका यूज़ किया जा सकता है और यूज टू एक्टिवेट दी इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग दी ट्यूमर्स तो इनका भी यूज़ करते हैं हम ठीक है बच्चे फिर बात आ जाती है ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज की अगर किसी भी चीज़ को उसके लिमिट से अगर ऊपर करने लग जाओ तो दैट इज अब्यूज है ना द यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल हैज राइजन स्पेशली अमॉन्ग द यूथ जो आजकल की यंग एज है वो क्या करते हैं एल्कोहल एंड ड्रग का बहुत यूज करना स्टार्ट हो गया है दिस इज कॉल्ड द कंसर्न एज इट रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स द ड्रग विच आर कॉमनली एब्यूज आर एज फॉलो फॉर एग्जाम्पल पहला है ऑप्यूआइड्स आर द ड्रग विच बाइंड टू स्पेसिफिक ऑप्यूआइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ये इंपॉर्टेंट है कि अपवाइट किसको एफेक्ट करते हैं सी एन एस को एंड जी आई ट्रैक को हीरोइन क्या इज अ कॉमन अपवाइड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्मैक इट इज केमिकली डी एसिटाइल मॉर्फिन मॉर्फिन का यूज जो है हम मेडिसिन के लिए जब भी एज अ पेन रिड्यूजर की तरह यूज करते हैं आफ्टर एक्सीडेंट है ना ऑपरेशन के बाद लेकिन यहाँ पे हम एब्यूज का यूज किया जा रहा है यहाँ पे तो हीरोइन क्या इट इज वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रस्टेलाइन कंपाउंड होता है हीरोइन किससे ऑप्टेन किया जाता है बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम इंपॉर्टेंट लाइन है इट इज इजन इधर बायोटिंग सूंग के या फिर बाय इंजेक्शन का यूज किया करके लिया जा सकता है हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट ये एक डिप्रेसेंट है विच स्लोज डाउन बॉडीज फंक्शन धीरे धीरे बॉडी के फंक्शन को स्लो डाउन काम करने लग जाती है मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सीडेटिव पेन किलर

टाइवा भांग का जो प्लांट होता है उससे निकाला जाता है लीव्स, फ्लावर टॉप ऑफ़ कैनबी सटाइवा इन वेरियस कम्बिनेशन प्रोड्यूस हशेश, चरस मरीजाना एंड गेंजा राइट दीज आर इनहेल्ड और इंजेस्टेड ओरली सूंघा जा सकता है या खाया भी जाते हैं इसको दीज ड्रग्स अफेक्ट कार्डियोवस्कुलर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हमारे कार्डियो सिस्टम को इफेक्ट करता है ठीक है दिस इज अबाउट कैनबिनोइट कोका एल्क्वाइड्स और कोकेन की बात करें तो पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है इसका किस पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रोड सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी यूफोरिया का मतलब क्या है बहुत ज़्यादा कामनेस अच्छा फील होता है इंक्रीज एनर्जी फील होती है ये कौन से स्टूडेंट्स वगैरह कंसनट्रेशन के लिए दवाइयों में दिया जाता है बहुत सारे जो थेरेपिस्ट हैं उसको दिया जाता है कोकेन इज डिराइड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग ब्रांचेज ऑफ साउथ अमेरिकन प्लांट कॉल्ड एज एरिथ्रोजाइलम कोका इट्स मोड ऑफ इंटेक इज इधर स्निफिंग और स्नोटिंग इट इज स्ट्रांग स्टिमुलेंट होता है एंड वेन टेकन इन ओवर डोज कॉजेज हेडेक कन्वर्जेंस हेलुसिनेशन एंड डेथ कॉज टू कार्डियोवस्कुलर और रेस्पारेटरी फेलर हो जाता है बच्चे ठीक है हेलूसिनोजेंस क्या होते हैं हेलुसिनेट करते हैं आपको है ना आर साइडेलिक ड्रग्स बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑन सेरेब्रम एंड सेंस ऑर्गेन्स पे इफेक्ट आता है इसका किससे ऑप्टेन किया जाता है बाई द प्लांट एट्रोपा बेलेंडोना हो गया दतूरा हो गया इनसे इन निकाला जाता है लाइसिक एसिड डाइथाइल एमाइड एल एस डी इज डिराइव फ्रॉम दी फंगस क्लेविसेप्स पटूरिया वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आता है नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स अकर ऑन थाट्स फीलिंग्स एंड परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल ड्रग्स लाइक बाइबिटूरेट्स कम्पेटामाइंस बेंजोडाइजोपीन्स एक्सेक्ट्रा नॉर्मली यूज एज दी मेडिसिन तो मेडिसिन में भी यूज किया जाता है लेकिन इनका ओवर डोज जो है वो क्या हो जाता है बच्चे एब्यूज बन जाते फिर टोबैको हो गया बच्चे टोबैको कंटेन निकोटीन होता है तम्बाकू जो होता है भी स्टमलेट दी एड्रीनल ग्लैंड को स्टमुलेट करता है टू रिलीज एड्रेनिन और नॉन एड्रनिन विच इन टर्न इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट को इंक्रीज करता है किससे मिलता है टोबैको प्लांट से मोड ऑफ इंटेक क्या है स्मोकिंग से चुइंग से और कैन बी यूज एज अ स्नफ सूंग के भी यूज किया जाता है क्या कर सकता है लंग कैंसर ब्रोंकाइटिस एम्फिजिमा क्रोनरी हार्ट डिजीज कैट कैंसर ऑफ थ्रॉट एंड ओरल कैंसर यूनरी ब्लैडर कैंसर एक्सेट्रा कैंसर कॉज करता है स्मोकिंग ऑफ टोबैको लीड्स टू इंक्रीज इन कार्बन मोनऑक्साइड का इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में विच रिड्यूज द कंसनट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन दिस लीड टू ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन दी बॉडी ठीक है बच्चा फिर एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज क्या होता है बच्चे एडोलेशन एक ऐसा पीरियड है ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज और हर एटीट्यूड एंड बिलीव फॉर द इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन इन दोसाइटी जैसे प्यबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है ये एडोलेसंस पीरियड जब चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स के चेंजेस आते हैं या फिर टेस्टस्ट्रॉन एजिस्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है दिस इज एडोलेशन पीरियड एज क्या है 12 to 18 years है, period का, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है कि इस समय सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है एक बच्चे को इन दिस यूज ऑफ ड्रग और एल्कोहल अकर्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी के उसमें या एक्सपेरिमेंटेशन के लिए जो बाद में एडिक्शन बन जाता है ठीक है बच्चा सो एडिक्शन क्या है एडिक्शन इज द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया एंड अ टेम्पररी फीलिंग ऑफ बेल एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड एल्कोहल जब हम किसी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं साइकोलॉजिकली हम किसी चीज़ के लिए खुशी के लिए हम एल्कोहल का यूज करना या तंबाकू का सेवन करना स्मोकिंग करना स्टाइल के लिए है ना फैशन के लिए ये सब क्या है एडिक्शन है राइट डिपेंडेंसी ऑन ड्रग एंड एल्कोहल इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम इफ़ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज डिसकन्टिन्यूएड एब्रप्टली तो हमारे धीरे धीरे आदत हो जाती है हमें उस चीज़ के डिपेंडेंस होने लग जाता है विड्रॉल सिम्टम्स आर करैक्टराइज बाई एंजाइटी शेकीनेस नोजिया एंड स्वेटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बोर्ड का क्वेश्चन है क्या इफेक्ट आता है इसका कॉमन इफेक्ट क्या है ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी पढ़ाई कम हो सकती है फैमिली फ्रेंड से दूर हो जाते हैं पर्सनल हाइजीन पे इंटरेस्ट कम हो जाता है अग्रेसिव हो जाते हैं रिबेलियस हो जाते हैं रैकलेस बिहेवियर बेंडलिज्म एंड वायलेंस लड़ने में लड़ाई झगड़ा इन सब में इन्वॉलमेंट हो जाता है क्या है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या है अवॉइड अनड्यू पियर प्रेशर कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स को देख के ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ सक्सेस नहीं मिला तब डिप्रेशन में चले जाते हैं तब इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं तो नहीं करना चाहिए पेरेंट्स एंड जो बड़े लोग हैं उनसे हेल्प लेनी चाहिए प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना चाहिए अगर एडिक्शन हो गया है तो डी एडिक्शन के लिए एंड लुक फॉर डेंजरस साइन अगर किसी तरीके का कोई डेंजर साइन है तो वो अगर सुसाइडल टेंडेंसी होने लग जाती है तो उससे बचना चाहिए ठीक है बच्चे दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर तो बेटा एन अभी हम लोगों ने एनसीआरटी के क्वेश्चन देखे हैं, तो हाइज कॉन्स सेल्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल्स अभी पढ़ा हमने कि अपना शे साइज चेंज कर लेता है मेटास्टेसिस करता है एक्सन वाट इज मैंट बाई मेटास्टेसिस अगर जो सेल डिसलॉग होके ब्लड के साथ दूसरी जगह जाके कर ट्यूमर स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया दैट इज मेटास्टेसिस अभी हम लोगों ने हार्मफुल इफेक्ट पड़ा अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज का है ना सो दीज आर दी सम समस्र टी क्वेश्चन कुछ पी वाई क्यूज देख लेते हैं सो देखिए एम ए आई पी एम टी फोर्टीन में क्वेश्चन पूछा गया है विच इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑबटेन फ्रॉम द प्लांट हु इज वन फ्लावरिंग ब्रांच शोनी तो ये दतूरा है बच्चे दतूरा कब आपके एनसीआरटी में यह प्लांट दिया गया दतूरा क्या करता है दतूरा जो है की तरह से एक्ट करता करता है करता है राइट right? फिर देखिए नीट 16 में क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेश म्यूटेशन तो क्या इसमें है देखिए तो यहाँ पे म्यूटेशन इनएक्टिवेट एक्टिवेट द सेल कंट्रोल दिस इज ट्रू म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेज तो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन टू इज दी रॉन्ग आंसर ठीक है बेटा फिर देखिए नीट एटीन में क्वेश्चन आया है विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज टू ऑप्टेन द ड्रग स्मैक तो किससे निकाला जाता है बच्चे लेटेक्स से पैपेवर सोमनी फेरम से निकाला जाता है पॉपी प्लांट से निकाला जाता है उसके लेटेक्स से ये बनाया जाता है ठीक है तो ऑप्शन टू इज राइट आंसर तो ये बच्चे कुछ पी वाई क्यूज आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरह का डाउट आएगा बच्चे तो डाउट सेशन में पूछेंगे ठीक है बच्चा सो so गॉड गॉड्लेस हेवीन टेक केयर थैंक यू